नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान के ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस में अपना मेरिट क्रमांक किस प्रकार से हम देख सकते हैं और यदि अस्थायी योग्यता सूची जारी हो चुकी है तो उस अवस्था में यदि उसमें कोई संशोधन हो तो पोर्टल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्क्रीन में दर्शाए अनुसार हमारी जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट ht.rajasthan.gov.in, उसको हमें ओपन करना है। उसके पश्चात जो हमारा एडमिशन का जो टैब है, उस एडमिशन टैब को ओपन करेंगे। वहां से आगे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करेंगे। अब दर्शाए अनुसार एक वेब पेज हमारे सामने ओपन होगा। मोबाइल मैंने इसे खोल रखा है, इसका बेटर व्यूइंग के लिए मैं इसको डेस्कटॉप वेबसाइट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। और अब जैसा कि हमारे सामने अनेकानेक ऑप्शंस दिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, नॉन इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड, लेटरल से रिलेटेड, फिर अगला टैब है अप्लाई ऑनलाइन, फिर फॉर्म व्यू और फिर मेरिट क्रमांक जाने। तो इस मेरिट क्रमांक जाने जो हमारा लिंक था उस पर हमें क्लिक करना होता है और उसके पश्चात तीन विकल्प हमारे सामने होंगे, एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड, इसको हम भरेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के उपरांत हमें अगले प्रश्न में दर्शाए अनुसार आवेदक की मेरिट लिस्ट है वो प्रदर्शित होगी। आवेदक को चाहिए कि वो अपने समस्त आंकड़ों को जांच कर ले, क्योंकि इनमें से अनेकानेक मेरिट को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यथा कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, उसके मार्क्स उन्होंने जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में प्राप्त किए हैं उसके परसेंटेज क्या है, वो सारे के सारे उनको चेक कर ले। तदुपरांत लास्ट में यह भी दिखाया गया है कि उसकी अनेकानेक जो श्रेणियों में मेरिट क्या है, यथा अभी जो दिखाया जो एग्जाम्पल है उसमें जनरल की मेरिट भी प्रदर्शित है, उसकी सिंगल मदर डिपेंडेंट की रैंक भी प्रदर्शित है, उसकी ईडब्ल्यूएस की भी रैंक भी प्रदर्शित है। श्रेणी से संबंधित यदि ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपसे संबंधित श्रेणी है उसकी भली भांति जाँच कर लेवें और आप संतुष्ट हो जावें कि आपका सारा डेटा सही है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, जैसा कि नीचे का मैसेज भी यहाँ पर प्रदर्शित है, उसका भी यही उद्देश्य है कि क्या उपरोक्त अंकित डेटा आपके द्वारा पूर्व में भरे हुए आवेदन फॉर्म के अनुसार नहीं है तथा क्या आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में इस रेडियो बटन के यस के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के उपरांत हमारे सामने ये जो सेकेंड पेज है वो ओपन होगा, जिसमें कि नेम, उसका डॉक्यूमेंट जो यस और नो सही है या गलत है, एक उसका डॉक्यूमेंट और रिमार्क, ये लगभग चार कॉलम की जो सूचना है वो प्रदर्शित होगी। इसमें से आपसे संबंधित जो भी सूचनाएं गलत है, आंकड़े गलत है, उससे संबंधित आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको यस और नो में से यस को सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमारे सामने एग्जाम्पल प्रदर्शित है उसमें वो विद्यार्थी कहना चाह रहा है कि उसके जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल है उसमें कुछ परिवर्तन है, तो उसको जब उसने यस किया है तो उसके सामने का जो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन था वो हाईलाइट हो चुका है और चूज फाइल ऑप्शन आ चुका है और इसी प्रकार रिमार्क ऑप्शन भी आ चुका है। इसी प्रकार से उसने एप्लीकेंट ने नेम में परिवर्तन के लिए और कैटेगरी ए में परिवर्तन के लिए यस किया है और इसीलिए उसके सामने ये तीन जो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन हैं वो प्रदर्शित हो गए हैं और रिमार्क भी प्रदर्शित हो गए हैं। तो आप अपने से संबंधित जो भी आंकड़ों में परिवर्तन चाहते हैं उस यस बटन पर क्लिक करें और जो चूज़ फाइल विकल्प है उसके माध्यम से आप अपना जो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में या आपके पीसी में जहां पर भी स्थित है उसको ब्राउज करें। ब्राउज करने के उपरांत आप अंत में नीचे जो दर्शाए अनुसार जो ग्रीन हमारा सबमिट बटन है उस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार एक मैसेज दिखाई देगा जो आपको इंगित कर रहा है कि आपका डेटा है वो सेव कर लिया गया है। तो हरी पट्टी के अंदर एक ग्रीन अलर्ट आएगा जो कि डेटा सेव सक्सेसफुली को प्रदर्शित करेगा, या नीचे बॉटम में दिखाए अनुसार यू हैव सबमिटेड रिक्वेस्ट फॉर मेरिट करेक्शन, ये प्रदर्शित होगा। तो यह इस बात का द्योतक है कि आपका आंकड़े, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पोर्टल पर अपलोड कर लिए गए हैं। धन्यवाद।